ये है खोज वर्ल्ड। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 18 नवंबर 1901 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में पैदा होने वाले शांताराम राजाराम वानकुदरे आम फेम में वी शांताराम और शांताराम बापू के नाम से जाने जाते थे। भारतीय सिनेमा में उनकी ख्याति फिल्म निर्देशक, प्रोड्यूसर और अभिनेता के रूप में है। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, अमर भोपाली, झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, पिंजरा आदि फिल्मों के लिए वो याद किए जाते हैं। 1946 में आई फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी में वी शांताराम ने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की भूमिका अभिनीत की। डॉक्टर द्वारकानाथ एस कोटनिस। पिताजी, हाँ हाँ, सिर्फ ये बोर्ड ही नहीं बल्कि तुम्हारे दवा खाने का सब सामान तैयार कर रखा है हमने। डॉक्टर कोटनिस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी हमले के दौरान चीन में कार्य किया था। फिल्म के निर्देशक स्वयं शांताराम थे। फिल्म का लेखन कार्य ख्वाजा अहमद अब्बास ने किया। उनकी फिल्म अमर भोपाली भी एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। ये एक गाय पालक की कहानी थी जो स्वाभाविक कवि था। इस फिल्म को शांताराम ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया। 1937 में आई उनकी एक फिल्म दुनिया न माने भारतीय समाज में औरतों की स्थिति और बाल विवाह जैसे संजीदा मुद्दे पर आधारित थी। इसे उन्होंने डायरेक्ट किया और प्रभात कंपनी ने इसे प्रोड्यूस किया। 1955 में आई फिल्म झनक झनक पायल बाजे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसे शांताराम ने डायरेक्ट किया और उनकी कंपनी राजकमल कला मंदिर ने प्रोड्यूस किया। इसमें उनकी तीसरी पत्नी संध्या और डांसर गोपी कृष्ण की मुख्य भूमिका थी। 1957 में आई उनकी फिल्म दो आंखें बारह हाथ भारतीय क्लासिक सिनेमा में शुमार है जो मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका एक गाना जो फिल्म से भी ज्यादा पहचान रखता है वह है ए मालिक तेरे बंदे हम, जिसे महान लता मंगेशकर ने गाया और भरत व्यास ने लिखा था। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। इसमें शांताराम ने डायरेक्शन, उनकी कंपनी राजकमल कला मंदिर ने प्रोडक्शन और उनके साथ उनकी पत्नी संध्या ने मुख्य भूमिकाएं अभिनीत की थीं। म्यूजिक उनके फेवरेट वसंत देसाई का था। शांताराम मराठी जैन परिवार से आते थे। उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी विमला, दूसरी जयश्री और तीसरी संध्या थी। उनकी पुत्री मधुरा, जो उनकी पहली पत्नी विमला से पैदा हुई थी, उसकी शादी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज से हुई। उन्होंने अपनी पुत्री राजश्री और जितेंद्र को 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से इंट्रोड्यूस किया। वी शांताराम ने मूक फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने से पहले बाबूराव पेंटर की फिल्म कंपनी में बेहद मामूली कार्य भी किए। 1921 में आई फिल्म सुरेखा हरण से उन्होंने अपना डेब्यू किया। सिनेमा से सामाजिक बदलाव लाने की क्षमता को पहचानने वाले वो शुरुआती फिल्मकार थे। उनकी फिल्मों को आप देखें तो आपको ये एहसास बहुत जल्द हो जाएगा। संगीत में उनकी गहरी रुचि थी, ये भी आप उनकी फिल्मों से जान सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए म्यूजिक भी तैयार किया था। उन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के और 1992 में पद्म विभूषण दिया गया। आज उनका 116वां जन्मदिवस है। इस पर गूगल भी डूडल बनाकर सेलिब्रेट कर रहा है। वी शांताराम को हमारा सलाम।